यह प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री अचानक कहां गायब हो गई पता है आपको? बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी फिलहाल फिल्मों से दूर हैं। उन्होंने 1997 में परदेश से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन कुछ साल बाद महिमा अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। पिंक अविला को दिए एक हालिया साक्षात्कार में अभिनेत्री ने कहा कि यह घटना 1999 के आसपास हुई थी, जब वे दिल क्या करे की शूटिंग के लिए अजय देवगन और काजोल के साथ थी। महिमा ने कहा कि उनकी कार बेंगलोर में एक ट्रक से टकरा गई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के कांच के टुकड़े महिमा के चेहरे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मुझे लगा कि मैं मर रहा हूं और वहां किसी ने मेरी मदद नहीं की। अस्पताल पहुंचने के बाद मेरी माँ और अजय दोनों बात करने आए। मैं फिर से उठा और अपने चेहरे की तरफ देखा। मैं उस समय डर गया था। मैंने तब अपने चेहरे की सर्जरी की और डॉक्टर ने मेरे चेहरे से कांच के 67 टुकड़े निकाले। महिमा ने आगे स्पष्ट किया कि सर्जरी के बाद ठीक होने में उन्हें लंबा समय लगा। चूंकि वह धूप में बाहर नहीं जा सकती थी, वे हमेशा घर के अंदर रहती थी। इस बीच वे आईने में अपना चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी। वह सोचती थी कि क्या उसे अब फिल्मों में काम मिलेगा। महिमा ने आगे स्पष्ट किया, मैंने उस समय किसी को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि लोग तब इतने समर्थन में नहीं थे। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो उन्होंने कहा होता, ओह यह चेहरा खराब हो गया है, चलिए फिल्म के लिए किसी और को साइन करते हैं। यही कारण है कि मैं फिल्मों से दूर रहा और लोगों से छिपता रहा। लेकिन तब मेरे परिवार ने मेरी मदद की और मुझे ताकत दी। हम आपको बताना चाहते हैं कि महिमा ने बॉबी मुखर्जी से 2006 में शादी की थी, लेकिन फिर 2013 में दोनों ने तलाक ले लिया। इन दोनों के लिए अरियाना एक बेटी है जो वर्तमान में महिमा के साथ रहती है। महिमा अकेले अरियाना की देखभाल करती है।